वेलकम बैक केमिस्ट्री नंबर वन। आज का हमारा न्यू टॉपिक है विल्किंसन कैटलिस्ट। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप, देखेंगे कैसे इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं, कैसे ये फाइव मास के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुडियम क्लोराइड और फिनाइल फॉस्फीन से मिला जो कंपाउंड होता है उसको विल्किंसन कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। इसे क्लोरिडो ट्रीज भी कहते हैं। इसका नाम है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन रुडियम फर्स्ट आयन है। इसका स्ट्रक्चर या संरचना जियोमेट्री देख लेते हैं। स्क्वायर प्लैनर होता है, वर्ग समतली होता है। इसमें रुडियम बीच में और फिनाइल ट्राईफॉस्फीन और क्लोरीन ये साले लिगेंड आपस में स्क्वायर प्लैनर के साथ जुड़े होते हैं। इसके हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। DSP2 होता है कैटलिस्ट का हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें रुडियम का 45 नंबर इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D8 5S1 है। इसमें डाईमैग्नेटिक होता है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कंपेयर होते हैं, पेयर में होते हैं, इसलिए डाईमैग्नेटिक होते हैं। जिस तरह इसमें हाईली होता है, इसलिए हाईली नेचर होता है। इसमें सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर पोलर कंपाउंड, और इन पोलर कंपाउंड में ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन सॉल्वेंट बेंजीन और टॉलिन, जैसे कि नॉन पोलर कंपाउंड है इसलिए ये सॉल्युबल होते हैं। इसमें एल्किन के हाइड्रोजिनेसस को देख लेते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं एल्किन के हाइड्रोजिनेशन करने के लिए। तो ये स्टेप फाइव मैकेनिज्म में स्टेप होता है, जो देख लेते हैं। फाइव मैकेनिज्म होता है इसमें, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ऑक्सीडेशन एडिशन फर्स्ट स्टेप है। एल्किन कोऑर्डिनेशन, माइग्रेशन जिसमें ट्रांसफ़र होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन, रीजनरेट ऑफ कैटलिस्ट, फाइव स्टेप है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में देखते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसमें ये फिनाइल जो कि विल्किंसन कैटलिस्ट है, फिनाइल ट्राईफॉस्फेन जो तीन स्क्वायर प्लैनर में क्लोराइड के साथ जुड़े होते हैं, इसमें हाइड्रोजन का ऐड करते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन में हाइड्रोजन का ऐड करते हैं, जिससे हम ऐड करते हैं, और ये सिस ट्रांजेक्शन में हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। और इसी कारण ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें ऑक्सीडेटिव स्टेट वन से होकर रुडियम का +3 में इंक्रीज हो जाता है, और H2 का सिस एडिशन होता है, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसलिए अब इसमें क्या होता है, इससे H का ट्रांस इफेक्ट फिनाइल फॉस्फीन से अधिक होता है, जिसके कारण फिनाइल फॉस्फीन का ट्रांस कर दिया जाता है, हाइड्रोजन के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रांस इफेक्ट उसका अधिक होता है हाइड्रोजन का, इसलिए फिनाइल फॉस्फीन का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हमारे पास प्राप्त होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होता है। जो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, उसमें एल्किन का कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है, एल्किन कोऑर्डिनेशन कहलाता है, जिसमें जियोमेट्री बदल जाता है। इसका जो डबल बॉन्ड होता है उसमें पार्सली अटैच होता है, ये रुडियम मेटल जो होता है ये पाई बॉन्ड से अटैच होता है, जो कि पार्सली ऐसे जुड़े होते हैं पार्सली। अब ये ऑक्टाहेड्रल जो बन जाता है, थर्ड स्टेप में देखते हैं माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन कैसे होता है थर्ड स्टेप में देख लेते हैं। माइग्रेशन इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना होता है, इसमें जो एल्किन होता है इसमें 1-2 का ट्रांसफ़र हो जाता है, 1-2 हाइड्रोजन, जो कि ये हाइड्रोजन है इसमें आके अटैच हो जाता है, और ये एक ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पास ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है और ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, जिसमें कार्बन की वैलेंसी तो पूर्ण हो जाती है। ये हाइड्रोजन है इसमें। अब लास्ट फोर्थ स्टेप में देख लेते हैं। इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो कि ट्राइगोनल डाईपिरामिडल स्ट्रक्चर है वो एक एक्टिव फॉर्म में और एल्केन में निकल जाता है। ये एच और SCH2 CH2 R, ये अलग एल्केन के फॉर्म में निकल जाते हैं और ये एक्टिव फॉर्म में बदल जाते हैं, फिनाइल फॉस्फीन
रिडियम और क्लोराइड ये एक एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे ये एक्टिव फॉर्म 5 स्टेप में रीजनरेट होता है। एक्टिव फॉर्म को हम रीजनरेट करते हैं, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में रिमूव किया था, इसको फिर से ऐड करते हैं और ये विलियमसन कैटलिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी हो, आपको अच्छी लगी हो तो शॉर्ट में है, नोट्स फॉर्म में है, आपको अच्छी लगा होगा। नोट्स फॉर्म में है तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।